हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ मकर संक्रांति स्पेशल तिल और मावा के टेस्टी से लड्डू। ये लड्डू इतने सॉफ्ट और माउथ वाटरिंग बनते हैं और बनाना इनको बहुत ही आसान है, बहुत ही कम टाइम में बनकर रेडी हो जाते हैं। तो चलिए फिर बनाते हैं तिल और मावा के लड्डू। इसके लिए हमने लिए हैं 250 ग्राम सफ़ेद तिल, ये मार्केट में आपको ईजिली मिल जाते हैं, इसके ऊपर छिलका नहीं होता है। इन्हें हमें ड्राई रोस्ट करना है। इसका कलर हल्का सा लाइट ब्राउन सा हो जाएगा तब तक हमें इसको रोस्ट करना है। जब तक तिल रोस्ट हो रहे हैं तब तक हम साइड में मावा भून लेते हैं। ये हमने लिया है 250 ग्राम मावा। जितने हमें तिल लेने हैं उतना ही हमें मावा यूज करना है। इसे भी हमें 5 से 10 मिनट तक अच्छे से भूनना है गैस का फ्लेम लो रखकर, जिससे इसका जो कच्चापन है वो निकल जाएगा। ये देखिए तिल ब्राउन हो चुके हैं। ये देखिए हमने एक प्लेट में निकाल दिया है। इसे अच्छे से ठंडा करिए। जब ये ठंडा हो जाए तो इसको दरदरा हमें पीसना है, एकदम फाइन पाउडर हमें नहीं बनाना, बिल्कुल दरदरा पीसना है। ये देखिए मावा भी हमारा अच्छे से भुन चुका है। गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और उस मावे को भी हमें बिल्कुल अच्छे से ठंडा करना है। ये देखिए मावा भी हमने एक प्लेट में निकाल दिया है और इसे फैलाकर बिल्कुल अच्छे से ठंडा करना है। गरम मावा हमें बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। अगर हम गरम यूज़ करेंगे तो लड्डू हमारे बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। मावा बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हमें इसमें डालना है दरदरे पिसे हुए तिल, इसे मिक्स करना है। अब इसमें हमें यूज़ करना है पाउडर शुगर यानी कि बूरा। ये हमने 2 कप बूरा यूज़ किया है, इसे छानकर यूज़ करना है। अगर आपको थोड़ा सा मीठा कम पसंद है तो आप इसमें 1.5 कप पाउडर शुगर का यूज़ भी कर सकते हैं। अब तीनों चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। इसमें कोई घी वगैरह यूज़ नहीं करना है हमें, ये बिल्कुल ईजिली बाइंड हो जाएगा। मेज़रमेंट आप बिल्कुल सेम रखिएगा, आपको तीनों चीज़ का मेज़रमेंट बराबर रखना है, तब आपके भी इसी तरह से लड्डू बनकर रेडी होंगे। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसके हमें लड्डू बनाकर रेडी करने हैं। जितने बड़े आप लड्डू बनाना चाहे उतना पोर्शन लीजिए और उसके इस तरह से लड्डू बनाकर रेडी कीजिए। और रेडी है हमारे टेस्टी से तिल और मावा के माउथ वाटरिंग लड्डू। इस मकर संक्रांति पर आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ईजी एंड सिंपल रेसिपी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। मैं मिलती हूँ ऐसी और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।